समांतर रेखाओं को एक दीर्घ रेखा काटती है तो उसी से बने एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति से बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। अब मैं आपको मॉडल के जरिए संगत कोण के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कोण है कोण पांच, यह संगत कोण होते हैं। कोण दो, कोण छह, यह भी संगत कोण होते हैं। कोण तीन, कोण सात, यह भी संगत कोण होते हैं। कोण चार, कोण आठ, यह भी संगत कोण होते हैं। अगले प्रकार से विमुख कोण, जब दो रेखाएं परस्पर छेद करती है तो हमें सम्मुख कोण के दो युग्म प्राप्त होते हैं। इन्हें शीर्ष विमुख कोण कहा जाता है, इनका माप समान होता है। अब मैं आपको मॉडल के जरिए शीर्ष विमुख कोण के बारे में बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं कोण वन, कोण तीन, ये शीर्ष विमुख कोण है। कोण टू, कोण फोर, ये भी शीर्ष विमुख कोण है। कोण फोर, कोण फाइव, कोण सेवन, ये भी शीर्ष विमुख कोण है। कोण सिक्स, कोण एट, ये भी शीर्ष विमुख कोण है। अगले प्रकार है एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक दीर्घ रेखा काटती है तो विपरीत दिशाओं में बने कोण एकांतर कहलाते हैं। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, अतः एकांतर कोण और बाहरी एकांतर कोण। अब मैं आपको मॉडल के जरिए एकांतर कोण के बारे में बताऊंगा। अतः एकांतर कोण, कोण चार, कोण पांच, यह अतः एकांतर कोण होते हैं। कोण तीन, कोण छह, यह भी अतः एकांतर कोण होते हैं। बाहरी एकांतर कोण, कोण एक, कोण आठ, यह बाहरी एकांतर कोण होते हैं। कोण दो, कोण सात, यह भी बाहरी।